नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से 13 जुलाई दिन गुरुवार कामिका एकादशी के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग। 12 राशियों में से इन राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें कि ये राशि वाले होंगे करोड़पति। ये राशि वाले अब होंगे धन से मालामाल। स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अब 12 राशियों में से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं। यूं कहें कि स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी इन राशि वालों के घर पधार रहे हैं, जिससे इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। अब इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो भाग्यशाली राशियां कौन सी है जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 13 जुलाई दिन गुरुवार कामिका एकादशी के दिन करोड़पति बनने वाली है। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते हैं। इन राशि वालों के जीवन में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि कामिका एकादशी के दिन धन से मालामाल होने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, शुरू करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। साल में कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं। सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। ये चतुर्मास की पहली एकादशी मानी जाती है। इस दौरान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। मान्यता है कि चतुर्मास की एकादशी पर विष्णु जी पूजा करने से बड़ा संकट टल जाता है और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल कामिका एकादशी 13 जुलाई गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन और एकादशी तिथि श्री हरि को अति प्रिय है। साथ ही इस दिन शूल योग, बुद्धात्य योग का निर्माण भी होगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कामिका एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाला बताया गया है। इस एकादशी का व्रत सौभाग्य प्राप्त करने वाला है। इस दिन अन्नदान करने से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सबकी तृप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व अर्जुन को समझाया था। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट, दुख और दुर्भाग्य दूर होते हैं। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के लक्ष्मी को वस्त्र आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा और आरती करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु जी को भोग जरूर लगाएं। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ब्राह्मणों को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल के
फल से भी बढ़कर है। कामिका एकादशी का व्रत, इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन जी की कृपा प्राप्त होती है, मनुष्य के समस्त दुख दूर होते हैं और उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें दोस्तों, व्रत वाले दिन भजन कीर्तन करना चाहिए और झूठ बोलने व क्रोध करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ आपको अब बता दें कि इस दिन यानी कामिका एकादशी के दिन गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिसमें से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों का धन को धन लाभ प्राप्ति के योग है। ये राशि वाले धन से मालामाल होंगे और इन्हें अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकता, इन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते, इन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हो गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वे भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता है। यदि किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें धन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो, वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, जिससे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सकें। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच में पड़ जाता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और यदि किस्मत साथ दे तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है, उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हिंदू धर्मों में ग्रह नक्षत्र और राशियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से चमकने वाली है और इन राशि वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से बात करें तो पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान हैं और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से ही आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे। सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा और सुख शांति का वातावरण आपके घर में बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि वालों, आपके ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। हालांकि इस राशि के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, आपके लिए
अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि इस समय शुभ महासंयोग से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको अब लाभदायक स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। आपके लिए इस समय में अब लाभदायक स्थितियाँ बनी हुई है। आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाई है वो योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है। उन पर अमल करें, सफलता आपके हाथ लगेगी। साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। कुल मिलाकर इन राशि वालों पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहेगा। समय आपके लिए अनुकूल है, समय का भरपूर लाभ उठाएं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है, कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार में सुख शांति आएगी। आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वालों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अत्यंत मेहरबान हैं। जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक कृपा आपके ऊपर बन रही है। मीन राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आप उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, मीन राशि वालों, अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिनके आप हकदार हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अब अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन राशि के लोगों के सारे कार्य पूरे होंगे। आप लगातार सफलता की नई कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे। आपके जो भी कार्य अधूरे थे वो अब सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपको असीमित धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि वालों, समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की। तो वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बनी हुई है, जिसकी वजह से ही आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति का भी सुख अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुला राशि वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय आप समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से आप जाने ना दें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की। तो वो राशि है वृषभ राशि। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। यदि आप इस समय नए अवसर की तलाश में हैं तो वो भी अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से आप के जो भी कार्य है वो सफल होते चले जाएंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अवश्य ही सफल होगी। वृषभ राशि वाले लोगों को बता दें आपके लिए धन लाभ के लिए अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यूं कहें कि धन लाभ प्राप्ति के आपके लिए अनेक अवसर स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से मिलने वाले हैं। समय आपके लिए अनुकूल है। आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की। तो वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को बता दें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको बहुत ही शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। जो भी आपके रुके हुए कार्य है वो सफलतापूर्वक पूरे होंगे। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। समय आपके लिए अनुकूल है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, ये है वो भाग्यशाली राशियाँ जिन पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होने वाली है। यूं कहें कि ये राशि वाले मालामाल होने वाले हैं। इनको अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।